हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए गूगल एडसेंस से रिलेटेड न्यू अपडेट लेके आए हैं। दोस्तों, गूगल एडसेंस ने अपने वर्जन में चेंज किया। दोस्तों, यूट्यूब से जो अर्निंग होती है वो अब गूगल एडसेंस में हम नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, पहले हम यूट्यूब से जो भी इनकम होती थी गूगल एडसेंस पे आसानी से देख लेते थे। दोस्तों, आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम दोस्तों आपके लिए तरीका बताते हैं। गूगल एडसेंस से आप अपनी यूट्यूब की अर्निंग को कैसे देखते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में गूगल एडसेंस को ओपन कर लेंगे। मैं अभी खोल लेता हूँ अपना। दोस्तों, मैं अपना अभी खुल रहा है। दोस्तों, पहले गूगल एडसेंस खोलते आपको इस तरह का ऑप्शन आता था, अब इस तरह का ऑप्शन नहीं आएगा। चेंज किया है इसमें, ये धीरे चलता दोस्तों, बहुत ही इस तरह का ऑप्शन आता था। दोस्तों, यहाँ पर अपनी अर्निंग होती थी, सो ये हो रही, यहाँ टोटल इस तरह आता था। दोस्तों, अब ये इस तरह का नहीं है। अब दोस्तों, हम अपनी गूगल जो से जो अर्निंग होती है उसे कैसे चेक करते हैं, तो दोस्तों आपके लिए दो तरीके बता रहा हूँ मैं, जिससे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपने ब्राउज़र में गूगल एडसेंस को खोल लेंगे। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आप अपने जो रिपोर्ट्स है उसमें जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है दोस्तों, और यहाँ पर आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है गूगल से जो अर्निंग होती है वो किस तरह होती है। हाँ, इसमें कहीं भी देख नहीं सकते। दोस्तों, गूगल एडसेंस ने ये बहुत ही अलग तरह का वर्जन अपडेट किया दोस्तों। तो हमें जो अपनी अर्निंग है उसे कैसे देखना दोस्तों, तो सबसे पहले जो ऊपर अपडेट ये लिखा हुआ रिपोर्ट्स, इसके सामने लिखा बेटा वर्जन, इसको अनेबल करना दोस्तों। मैं कर देता हूँ। अनेबल करने के बाद हमें देखना दोस्तों, ये पुराने टाइप का भी जो गूगल एडसेंस होता था उस तरह का हमारे सामने आ रहा दोस्तों। अब हमारा हमने देखना है कि अब मैं अर्निंग अपनी दिखाई दे रही है या नहीं। चल रही है दोस्तों ये प्रोसेस। हाँ, अब हो रहा है दोस्तों, ये बहुत ही स्लो चलता है। उसके बाद हमारा जो पुराना तरीका उसी में जाएंगे, प्लस पे जाते हैं। ओल्ड पोर्ट्स में जाने के बाद प्लस में जाने के बाद दोस्तों आपकी अर्निंग यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। तो दोस्तों, जो रिपोर्ट्स के नीचे फिल्टर लिखा हुआ है इसके सामने एड्स है, इसमें जाते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स है, उसमें जाते हैं। उसके बाद नीचे सेलेक्ट ऑल या नन, इसमें नीचे नीचे यूट्यूब होस्ट लिखा हुआ है, इस पर जाते हैं और अप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आपको YouTube की अर्निंग दिखाई नहीं दे रही है तो आपको यह करना होगा। उसके बाद दोस्तों हमें YouTube की अर्निंग दिखाई देती है, नीचे लिखा रहा है टोटल अर्निंग। तो दोस्तों, अब हमें ये ऊपर आपको पूरी इनकम दिखाई नहीं दे रही है, अर्निंग दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों, हमें जो ऊपर लिखा हुआ है टाइम लास्ट 7 डेज, दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है और नीचे ऑल टाइम यहाँ पर जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टोटल अर्निंग आप दिखाई दे रही है दोस्तों, ये रही $7, $7.36। दोस्तों, इस तरह हम यूट्यूब की अर्निंग की वो गूगल एडसेंस पर दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर भी दिखाई नहीं देता तो दोस्तों आपके लिए दूसरा तरीका है,
जो यूट्यूब स्टूडियो होता है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों। ये रही दोस्त, इसमें दोस्तों नीचे जाते हैं रेवन्यू पे, ये रहा दोस्तों, यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं आप, टाइम चेंज कर लेना, लाइफ टाइम 7 डेज। अभी मेरा दोस्तों अभी मोनेटाइजेशन इनेबल हुआ इसलिए कम दिखाई दे रहा है, $5.43 है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन जो अभी मैंने दिखाया था वहाँ पर करेक्ट होता है गूगल एंड गूगल एडसेंस पे। इस तरह आप आसानी से दे सकते हैं दोस्तों, अगर आप यहाँ भी आपको सही कन्फर्म नहीं होता दोस्तों, अपने ब्राउज़र में यूट्यूब स्टूडियो खोल लेंगे, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।